मोदी क्या 15 अगस्त का इंतजार कर रहे थे? बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं पर मोदी ने जो कहा उसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। लाल किले में चढ़कर मोदी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर ऐसा ऐलान किया, सामने बैठे राहुल गांधी भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में क्या मोदी सर्कल स्ट्राइक करने जा रहे हैं? 15 अगस्त में मोदी ने बांग्लादेश का नाम लेकर जो ऐलान किया उसके बाद से पूरी दुनिया हिल गई है। पाकिस्तान में खलबली मच गई है और बांग्लादेशी कट्टरपंथी छुपने के लिए भागने लगे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है और 15 अगस्त को मोदी क्या करने वाले हैं। लाल किले में चढ़कर मोदी ने जब बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं का नाम लेकर गरजे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के टीवी टूटने लगे। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को नेता प्रतिपक्ष मिला। पीएम मोदी के साथ राहुल गांधी भी लाल किले में पहुंचे, लेकिन मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को उम्मीद नहीं थी। इसके बाद लाल किले में चढ़कर जब मोदी बांग्लादेश के करोड़ों हिंदुओं का नाम लेकर गरजने लगे तो दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में भगदड़ मच गई। लाल किले से मोदी ने पूरी दुनिया और देश के सामने ऐलान करते हुए कहा है, इसके साथ ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को सीधा चैलेंज कर दिया है कि अब उनका वक्त पलटने वाला है। मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश का पड़ोसी देश है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि बांग्लादेश में करोड़ों हिंदू रहते हैं और वहां जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए भारत शांत नहीं बैठ सकता। मोदी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों की चिंता इस वक्त सिर्फ ये है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लेकर इधर मोदी गरजे और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बांग्लादेशी हिंदू अभी तक असहाय समझ रहे थे खुद को। अब उनको पता चल गया है कि मोदी उनके साथ हैं और मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में सर्कल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने से पहले भी पीएम मोदी ने लाल किले से ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, लेकिन पाकिस्तान तब नहीं माना था। अब उसी लाल किले से मोदी ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को चेतावनी दी है। इसके साथ ही मोदी ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ उस पर भी अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के तौर पर हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है, मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्दी जांच हो, राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा हो। समाज में विश्वास जगाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मोदी ने कहा कि समय की मांग है कि सजा पाने वालों पर व्यापक चर्चा की जाए ताकि ये पाप करने वालों को समझ में आए कि इससे फांसी की सजा मिलती है। मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। लाल किले से पीएम मोदी ने सेना की तारीफ करते हुए कहा है कि यही देश है जहां आतंकी आकर हमें मारकर चले जाते थे। आज देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है क्योंकि हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि किसी भी देश को पानी पिला सकती है। पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब 15 अगस्त पर लाल किले में विपक्ष भी पहुंचा और राहुल गांधी लाल किले में पहुंचकर आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन मोदी ने जब बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लेकर बांग्लादेश को चेतावनी दी उस वक्त विपक्ष भी हैरान रह गया, क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर नेता कट्टरपंथियों का समर्थन करते। मोदी सामने से दहाड़ रहे थे और सामने बैठे विपक्षी नेता सुन रहे थे। मोदी की दहाड़ अब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों तक पहुंच गई है और अगर अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुआ तो बहुत जल्द भारत बांग्लादेश पर कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। पूरा हिंदुस्तान चाहता था कि मोदी कुछ बांग्लादेश पर बोले और अब मोदी ने बता दिया है कि अब वो क्या चाहते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। मोदी ने जैसे ही बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लिया बांग्लादेश के करोड़ों हिंदू 15 अगस्त का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी और दुनिया के 57 मुस्लिम देश अब बौखला गए हैं। लेकिन मोदी ने जो कहा उस पर आप क्या राय है कमेंट करके आप जरूर बताएं।